नमस्कार दी इंडियन डॉक्टर में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं मानव शरीर के तापमान के बारे में। देखिए, मानव शरीर का औसत तापमान जो होता है उसे 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट के आसपास माना जाता है। अब इसके बारे में कुछ बेहद रोचक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए और जो आपको जानकर अच्छी लगेंगी। तो आइए ऐसी 10 बातों के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब वातावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो तो आपको गर्मी का अनुभव होता है, जबकि आपके शरीर का तापमान भी 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो देखिए, मानव शरीर का तापमान हीट जनरेशन और हीट लॉस यानी ऊष्मा के उत्पादन और ऊष्मा के ह्रास, इन दो विपरीत प्रक्रियाओं के द्वारा मेंटेन रहता है। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास यानी मानव शरीर के तापमान वाले तापमान के आसपास ऊष्मा का उत्पादन मानव शरीर में ज्यादा होता है और ऊष्मा का ह्रास जो होता है वो कम होता है। इसलिए जब आप 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास होते हैं तो आपके शरीर में अधिक ऊष्मा बन रही होती है, और चूंकि वातावरण का तापमान भी 37 डिग्री सेल्सियस है इसलिए ये ऊष्मा आपके शरीर से वातावरण में स्थानांतरित भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक तापमान वाले से कम तापमान वाले क्षेत्र की तरफ होता है। तो चूंकि ये ऊष्मा वातावरण में स्थानांतरित भी नहीं हो पाती है इसलिए आपको गर्मी का अनुभव होता है। दूसरा, क्या आप जानते हैं कि शरीर का जो तापमान है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है ना। जो औसत तापमान आप 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री फारेनहाइट मानते हैं वो सबके लिए सही नहीं होता है ना। ये अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन यानी अलग अलग देशों के लोगों के लिए अलग अलग औसत तापमान हो सकता है। जैसा कि कुछ आर्टिकल्स में, कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया कि जापान के लोगों का जो औसत तापमान होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तीसरा, स्त्रियों के शरीर का तापमान कुछ खास परिस्थितियों में कई बार बढ़ जाता है, जैसे कि अगर स्त्री का मासिक धर्म आया हुआ है तो उस समय उसके शरीर का तापमान जो है साधारण तापमान के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। चौथा, क्या आप जानते हैं कि शरीर के अलग अलग हिस्सों का तापमान अलग अलग हो सकता है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि जो हिस्से आपके वातावरण के संपर्क में होते हैं है ना, जो एक्सट्रीमिटीज आपकी होती हैं वो अधिकांशतः थोड़े कम तापमान पे होती हैं आपके दूसरे शरीर के हिस्सों के मुकाबले में। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आपके शरीर में आपके जो अंडकोश हैं वो एक खास तरह से बाहर रखे गए हैं, इसलिए कि उनके उनका जो तापमान है वो आपके शरीर के तापमान से कम रह सके। और शरीर को स्पर्म प्रोडक्शन में है ना, जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है शरीर में, उसमें मदद मिल सके, क्योंकि ज्यादा तापमान पे ये शुक्राणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। पांचवा, मानव शरीर का जो तापमान है ये पूरे दिन एक जैसा नहीं रहता है ना। मानव शरीर का तापमान सबसे कम सुबह के समय में होता है, अर्ली मॉर्निंग के आसपास जो है मानव शरीर का तापमान बहुत कम होता है मन अपेक्षाकृत, और शाम तक आते आते ये कुछ बढ़ जाता है। छठा, मानव शरीर में दाएं हिस्से और बाएं हिस्से का तापमान अलग अलग हो सकता है कुछ खास परिस्थितियों में। जैसे अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है ना, किसी व्यक्ति को का आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो जो शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा होता है उसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है उसके जो हिस्सा काम कर रहा है उसके बनिस्पत। सातवां, व्यायाम जो है, एक्सरसाइजेस जो है वो आपके शरीर के तापमान को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है, और ये आपके शरीर के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकती है। आठवां, क्या आप जानते हैं कि मेंटल स्ट्रेस यानी तनाव की वजह से भी आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है ना। और एक तरह की बीमारी भी होती है जिसे साइकोजेनिक फीवर कहते हैं, जिसमें मानसिक तनाव की वजह से मानव शरीर का तापमान बढ़ जाता है या ऐसा लगता है कि व्यक्ति को फीवर हो गया है यानी संक्रमण हो गया है, परंतु वो संक्रमण नहीं होता है, वो मानसिक तनाव की वजह से मानव शरीर का तापमान बढ़ा हुआ होता है। नवा, शरीर के कितने तापमान को बुखार कहते हैं? तो इसे मैं यही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, बहुत विस्तार में इसको मैंने समझाया है और इसका लिंक आप अभी ऊपर पा सकते हैं, साथ ही मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दसवां, क्या आप जानते हैं कि जब मानव शरीर का तापमान आवश्यकता से ज्यादा कम हो जाता है यानी बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, और ये काफी सीरियस हो सकता है और इससे आपकी मौत भी हो सकती है। शरीर का तापमान जब आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे फीवर कहते हैं या हाइपरथर्मिया कहते हैं। फीवर अधिकांशतः तब कहते हैं या बुखार अधिकांशतः तब कहते हैं जब ये संक्रमण या इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो,
और हाइपरथर्मिया या उसे तब कहते हैं जब ये हीट स्ट्रोक की वजह से हुआ हो, या बहुत ज्यादा लू लग जाने से, या गर्मी लग जाने की वजह से आपके शरीर का तापमान बढ़ गया हो, तो उसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। तो उम्मीद है मानव शरीर के तापमान के बारे में ये बेहद रोचक बातें आपको जरूर अच्छी लगी होंगी। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।